जीप कंपस ये एक प्रीमियम 5-सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जीप का ये एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ है। हालांकि अभी आकर तो इसका सेल्स फिगर थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन कुछ महीनों पहले तक हर महीने इस गाड़ी की 2 से 3 हज़ार यूनिट्स तक बिक जाती थी। जीप कंपस एक प्रीमियम कार है। एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से लगभग 15 से 23 लाख रुपए तक की मिलती है। इतनी महंगी 5-सीटर एसयूवी का हर महीने 2 से 3 हज़ार यूनिट बिकना बड़ी बात होती है। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से इसकी सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ जाने के कारण इसका सेल्स फिगर 1200 से 1500 यूनिट पर मंथ पर आ गया है। और अब वापस से कस्टमर्स का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने के लिए जीप कंपस ट्रेलहॉक को जुलाई 2019 में लॉन्च करने वाला है। कंपस ट्रेलहॉक स्टैंडर्ड जीप कंपस का सिर्फ एक नया वेरियंट ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड जीप कंपस से कई मामलों में अलग है, या फिर कहूँ कई मामलों में बेहतर है। तो चलिए देखते हैं कि जीप कंपस ट्रेलहॉक स्टैंडर्ड जीप कंपस से किन किन मामलों में बेहतर है, या फिर कहें कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला डिफरेंस है डिज़ाइन। इन दोनों गाड़ियों की बेसिक डिज़ाइन तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कंपस ट्रेलहॉक में आपको माइनर कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नज़र जहाँ जाती है वो है ट्रेलहॉक के बोनट पर दिए गए ब्लैक डिकैल के ऊपर। ये डिकैल कोई डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, इसे यहाँ पर इसलिए दिया गया है ताकि ऑफरोडिंग करते समय सनलाइट की वजह से बोनट रिफ्लेक्ट ना करे और ड्राइवर को देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा जीप कंपस की फ्रंट 7-स्लॉट ग्रिल में आपको क्रोम वर्क मिल जाता है, उसके नीचे फॉग लैंप्स के अगल बगल भी आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, और उसके नीचे फ्रंट बोनट में भी आपको एक थिक क्रोम लाइनिंग मिलती है, जबकि ऐसा कुछ आपको ट्रेलहॉक में नहीं मिलता। ट्रेलहॉक में इन तीनों जगह पर क्रोम इस्तेमाल करने की बजाय मैटी ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा कि ट्रेलहॉक में फ्रंट बम्पर्स को भी चेंज कर दिया गया है। ट्रेलहॉक के फ्रंट बम्पर में दोनों साइड आप दो होल्स देख पा रहे होंगे। असल में ये दोनों होल्स हुक्स के लिए दिए गए हैं जो इस इंडियन ट्रेलहॉक से हटा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ की पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स इन दोनों हुक्स को अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर आप कोई इंडिया से बाहर की कंपस ट्रेलहॉक देखेंगे तो आपको इन दोनों जगह पर दो रेड कलर्ड टो हुक नज़र आएंगे। चलिए अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ORVM से शुरू होकर गाड़ी के पीछे तक क्रोम विंडो लाइनिंग है, जबकि यही लाइनिंग कंपस ट्रेलहॉक में मैटी ब्लैक कलर की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर गेट पर कंपस की बैजिंग की गई है, लेकिन अंतर ये है कि जीप कंपस में वो बैजिंग क्रोम से की गई है, जबकि ट्रेलहॉक में मैटी ग्रे कलर की बैजिंग है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन अलॉय व्हील्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कंपस ट्रेलहॉक में 17-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि जीप कंपस लिमिटेड प्लस वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील्स तक मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के अलॉय व्हील्स में डुअल टोन पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं, जैसे कि क्रोम लाइनिंग को मैटी ग्रे कलर का कर दिया गया है ट्रेलहॉक में। कंपस में क्रोम बैजिंग मिलती है जीप और 4x4 की, जबकि ट्रेलहॉक में इन दोनों बैजिंग को मैटी ग्रे कलर का कर दिया गया है। इसके अलावा कंपस में जहाँ पर वेरियंट की बैजिंग की जाती है, वहाँ पर ट्रेलहॉक के लोगों की बैजिंग देखने को मिलती है। इन फोटोज से शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ट्रेलहॉक के रियर बम्पर को भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक रेड टो हुक नजर आ रहा होगा जो जीप कंपस में नहीं मिलता। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में एग्जॉस्ट की पोजीशन को भी चेंज कर दिया गया है। दोनों में ही एग्जॉस्ट पाइप की अपोजिट पोजीशन मिलती है। तो इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में तो बस यही छोटे मोटे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि ट्रेलहॉक कौन सी है और स्टैंडर्ड जीप कंपस कौन सी है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको छोटे मोटे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीप कंपस में आपको डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर्ड इंटीरियर मिलता है,
जबकि Trailhawk में आपको सिंगल टोन ब्लैक कलर्ड इंटीरियर मिलता है। सीट्स ब्लैक हैं, डैशबोर्ड ब्लैक है, डोर्स ब्लैक हैं, हर चीज कम्प्लीटली ब्लैक है। इसके अलावा Trailhawk में रेड कलर्ड वर्क ज्यादा किया गया है, जैसे कि इसकी सीट्स पर रेड स्टिचिंग तो मिलती ही है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंड पर, स्पीकर्स के सराउंड पर, गियर बॉक्स के सराउंड पर आपको रेड कलर्ड लाइनिंग मिल जाती है। बस ऐसे ही कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो हो गए कुछ माइनर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस, अब बाकी डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड डिफरेंस है ग्राउंड क्लियरेंस। आपको स्टैंडर्ड जीप कंपस में 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिला करती थी, जो कि एक SUV के हिसाब से, और वो भी वो SUV जिसे इंडिया में चलाया जाना है, इसके हिसाब से कम नज़र आती थी। लेकिन इससे Trailhawk में इस ग्राउंड क्लियरेंस को 27 mm इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपको Trailhawk में 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। थर्ड डिफरेंस, अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स। इस Trailhawk में बेटर ऑफ रोडिंग करने के लिए अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स को इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि Trailhawk के फ्रंट और रियर बम्पर को अपडेट किया गया है। वो एक्चुअली में अपडेट इसलिए ही किया गया है ताकि इसके अप्रोच और डिपार्चर एंगल को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि आराम से बेहतर तरीके से ऑफ रोडिंग की जा सके। स्टैंडर्ड जीप कंपस का फ्रंट बम्पर काफ़ी नीचे था, जगह जगह पर टकराता था, घिस जाता था, लेकिन इस Trailhawk के बम्पर को ऊपर कर दिया गया है, ऊंचा कर दिया गया है, तो अब वो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि ये अप्रोच और डिपार्चर जैसे भारी भड़कम शब्दों का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपको क्यों बताऊँ, ये तो आप खुद भी पता कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर पर जाके यू डिक्शनरी नाम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर इन दोनों शब्दों के इंग्लिश मीनिंग या फिर हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। सिर्फ ये दो ही वर्ड नहीं, किसी भी शब्द को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ ये दो ही भाषा नहीं, 100 से भी ज़्यादा भाषाओं को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और इन्हें बोलना सीख सकते हैं। तो फिर क्या है, डाउनलोड कर लो अभी की अभी। फोर्थ डिफरेंस है फीचर्स। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो Trailhawk में मिल जाते हैं लेकिन कंपस में नहीं मिल पाते, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कंपस में मिल जाते हैं लेकिन Trailhawk में नहीं मिल पाते, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, 7-inch स्क्रीन इन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एंड ऑल वेदर फ्लोर मैट्स। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो Trailhawk में मिल जाते हैं लेकिन कंपस में नहीं मिल पाते, जबकि पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कंपस में मिल जाते हैं लेकिन Trailhawk में नहीं मिल पाते। Trailhawk को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक सिर्फ इन्हीं 2-3 फीचर्स के डिफरेंस के बारे में पता चल सका है। हो सकता है लॉन्च होने के बाद कुछ और फीचर्स के डिफरेंस भी पता चल जाएं। पांचवा डिफरेंस है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। Trailhawk को ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। जीप की जितनी भी गाड़ियों के Trailhawk एडिशंस होते हैं उनका मतलब ही ये होता है। Trailhawk में आपको 4x4 कैपेबिलिटी मिलती है, हालांकि 4x4 आपको जीप कंपस में भी एज अ ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन Trailhawk में आपको 4x4 विथ लो रेंज गियर एंड हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, जबकि ये स्टैंडर्ड जीप कंपस में नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, ऑफ रोडिंग करने के लिए स्टैंडर्ड जीप कंपस में आपको 4 मोड्स मिलते हैं, ऑटो, स्नो, सैंड और मड, जबकि Trailhawk में आपको इन चारों मोड्स के अलावा एक और पांचवा मोड मिलता है, रॉक मोड। Trailhawk में ऑफ रोडिंग करने के दौरान इंजन, फ्लोर और एग्जॉस्ट वगैरह में कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वहां पर एक अंडर बॉडी स्किड प्लेट भी दी गई है, जो आपको जीप कंपस में नहीं मिलती। इसके अलावा Trailhawk में फैल्कन ऑल टेरेन टायर्स मिल जाते हैं, जो ऑफ रोडिंग करने के दौरान बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस है वाटर वेडिंग डेप्थ। इससे मतलब होता है कि कौन सी गाड़ी कितने गहरे पानी में चल सकती है। ये डेप्थ स्टैंडर्ड जीप कंपस में काफ़ी कम थी, 330 mm। अब इस डेप्थ को 153 mm बढ़ाकर Trailhawk में 483 mm कर दिया गया है, मतलब कि इतनी वाटर वेडिंग डेप्थ की मदद से आप कंपस Trailhawk को काफ़ी आसानी से पानी में से निकाल सकते हैं कंपेरेटिवली जीप कंपस के। सेवन्थ डिफरेंस है सस्पेंशन। Trailhawk के सस्पेंशन में भी काम किया गया है, ऑफ रोडिंग करने के लिए इसके सस्पेंशन को रीट्यून किया गया है। Trailhawk को खरीदने वाला हर कोई बंदा तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करेगा नहीं, लेकिन जब आप इसे नॉर्मली भी चलाएंगे तो इसके सस्पेंशन में जो डिफरेंस है वो आपको फील होगा। Trailhawk चलाने में आपको ज़्यादा कंट्रोल्ड लगेगी कंपेरेटिवली जीप कंपस के। एट्थ डिफरेंस है NVH लेवल। Trailhawk में बेटर NVH लेवल देखने को मिलता है कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड जीप कंपस के। स्टैंडर्ड जीप कंपस की तुलना में
ट्रेलहॉक के कैबिन के अंदर तक इंजन या फिर बाहर की दूसरी आवाजें काफी कम आ पाती हैं। नाइन्थ डिफरेंस, डीजल ऑटोमेटिक। जीप कंपस के डीजल इंजन में अभी तक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल ही नहीं पाता था, इसके सिर्फ पेट्रोल इंजन्स में ऑटोमेटिक मिलता था, डीजल में मिलता ही नहीं था। लेकिन अब ट्रेलहॉक के साथ इसके डीजल इंजन में भी 9-speed डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लगा है। कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने जीप कंपस को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि इसमें डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं था, तो अब इस तरह के कस्टमर्स भी जीप कंपस को खरीद सकते हैं, मतलब कंपस ट्रेलहॉक को खरीद सकते हैं। 10th डिफरेंस है प्राइसेस। एक्शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से जीप कंपस आपको 15.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 23.11 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ट्रेलहॉक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है इसलिए इसके एग्जैक्टली प्राइसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करूं तो एक्शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 24.5 लाख रुपीस तक की मिल जाया करेगी, मतलब कि जीप कंपस के टॉप वेरिएंट से करीब 1.5 से 1.5 लाख रुपए महंगी मिला करेगी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ट्रेलहॉक को सिर्फ ऑफरोडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ट्रेलहॉक में मिलने वाली ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी प्लस डीजल ऑटोमेटिक आपको करीब 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पर मिल जाया करेगी। अब देखना यह है कि 24-25 लाख रुपए की 5-seater कॉम्पैक्ट एसयूवी कोई खरीदता है या फिर नहीं। वैसे मेरे हिसाब से जीप को ट्रेलहॉक एडिशन लॉन्च करने के साथ साथ स्टैंडर्ड जीप कंपस में एक डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी ऐड कर देना चाहिए था, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं, उन्हें ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के कस्टमर्स को ज्यादा पैसे खर्च कर मजबूरन कंपस का टॉप वेरिएंट ट्रेलहॉक ही खरीदना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा वेरिएंट नहीं है जिसमें कम पैसों में 4x4 के बिना सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक मिल जाए। इस वजह से हो सकता है कि कई सारे कस्टमर्स इतने पैसों में कोई दूसरी गाड़ी खरीदना बेहतर समझें। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ट्रेलहॉक आपको कैसी लगी और आपके हिसाब से ये गाड़ी इंडिया में चल पाएगी या फिर नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।